बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड, और बच्चे आज का हमारा टॉपिक है एसएन रिएक्शंस मीन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दीज रिएक्शन, जैसे आपके नाम में जाहिर है, इन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल ने डिस्प्लेस करना है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। और बच्चे हम यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखते हैं। मीन बच्चे एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मीन The substance that contain lone pair of electron that contain negative charge as well or maybe neutral. तो one nucleophile ने attack करना होगा alkyl halides पे, और जैसे alkyl halide पे attack करेगा तो alkyl halide में जो halogen present है it remove with lone pair। जब ये attack करेगा carbon center पे this electron pair this covalent bond is remove and your answer is RNU। This nucleophile makes a bond with alkyl group and this halogen is removed by electron pair and negative charge. So that is named as leaving nucleophile, and the nucleophile which attack on substrate or alkyl halide that is called attacking nucleophile. तो ये आपका basic concept है। इन रिएक्शंस में वन न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट होना है दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह, और जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एंड द न्यूक्लियोफाइल दैट डिपार्ट और रिमूव दैट शुड बी वीक न्यूक्लियोफाइल और दैट शुड बी गुड लिविंग ग्रुप। और बच्चे जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है इसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट। Substrate molecule that is alkyl halide on which nucleophile attack. This is your product form. So which now we define as the reactions in which one nucleophile displace second nucleophile that is present in Substrate molecule stand for alkyl halide। Nucleophile ने attack किया और alkyl halide का nucleophile depart, और this X or halogen is a weak nucleophile and the attacking nucleophile should be strong। तो ये बच्चे condition होती है nucleophilic reactions की, SN reactions की, कि आने वाले nucleophile को strong होना चाहिए, that should be strong nucleophile। जब वो आएगा तो weak वाले को displace करेगा। आपके पास इसके दो रिएक्शंस हैं SN1 SN2, दोनों के रिक्वायरमेंट एक ही है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन। अगर बच्चे हम इन्हें शॉर्ट से कंपेयर कर लें ताकि आपको समझने में और याद करने में काफी आसानी हो, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एंड वन स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। तो वन स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एंड टू स्टैंड फॉर बायमॉलिक्यूलर, सो दे आर नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। दीज आर नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मुझे पहली बात उसके नाम आपको आने चाहिए। अच्छा बच्चे कुछ बातें ध्यान में रखें तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। वन स्टैंड फॉर, ये शो कर रहा है इसके मॉलिक्यूलरिटी को कि इसमें यूनिमॉलिक्यूलर मीन इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, और टू स्टैंड फॉर बायमॉलिक्यूलर, इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और बच्चे इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। तो हम सिंपल से कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वन रिप्रेजेंट दैट इज दीज रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर है वो आपका वन आएगा, दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अगर यहां से बात कर लें, बच्चे इसके नाम में बाय मॉलिक्यूलर है, मीन तो इनका जो ऑर्डर होगा इन दीज रिएक्शंस दीज आर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड बच्चे जब आप इनके स्टेप्स की बात करोगे दे आर प्रोसीडिंग इन टू स्टेप्स। कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे, ऑर्डर वन स्टेप्स टू, आप उसको इन्वर्स कर लो। और जब आप इनकी बात करोगे दे कंटेन ओनली वन स्टेप इन द रिएक्शन दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप।
दीज आर गिवन बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड्स एंड दीज आर गिवन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। कुछ पार्ट आपके जहन में होंगे तो याद करना आसान होगा। नेक्स्ट वन, दीज रिएक्शन प्रोसीड इन पोलर सॉल्वेंट्स। आपको पोलर सॉल्वेंट डालना पड़ता है फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड, नो पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। तो ये जो शॉर्ट से कंपैरिजन आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसको करना है बहुत ध्यान से। और अगर साथ हम डिस्कस कर लें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। दे मे बी प्रोसीडिंग बाय SN2 और मे बी प्रोसीड बाय SN1, इट डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में पोलर सॉल्वेंट डालते हो, पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन करवाते हो, देन दीज आर प्रोसीडिंग बाय SN1 फॉर नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आप इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डालते हैं देन द रिएक्शन प्रोसीड बाय SN2। ये बच्चे कंडीशन डिपेंडेंट है, आपकी मर्जी है, कंडीशन पे डिपेंड करते हुए दे मे बी SN2 और दे मे बी SN1। ये मुझे शॉर्ट सा कंपैरिजन था आपको समझाने के लिए। आप मेरे पास फिर रिवाइज करवा दूं, वन का मतलब होगा इसका ऑर्डर वन है। अगर आप सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखें तो आप इस सबको समझ लेंगे। ऑर्डर वन तो स्टेप दो, टर्शियरी का हैलाइड और पोलर सॉल्वेंट, और उसको आप रिवर्स कर लो। सेकेंड लिखा हुआ है तो ये आपका ऑर्डर होगा, स्टेप आप रिवर्स कर लो, वन स्टेप प्राइमरी देगा और नो पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड फॉर SN2 रिएक्शन। Now we discuss SN2 reactions. जब हम SN2 discuss करने लगे, so you have to discuss four things: definition, mechanism, kinetic evidence or kinetics of reaction, and the stereochemistry or space chemistry. Now we discuss first one, the mechanism, and then we define the reaction. The mechanism for the reaction is, which आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, बहुत easy है. These are very simple reactions. In the mechanism concern, you know that इसका order 2 है और ये आपका एक step में proceed होना है। आप कोई सा primary alkyl halide use कर लो। I take the simplest one that contain all hydrogens and one chlorine. This is your alpha carbon that contain 3 hydrogen that contain no carbon. So it is primary. Reacting by nucleophile means आपको न्यूक्लियोफाइल ले ले, बच्चे मैं कॉमन यूज कर रहा हूँ OH- दैट कंटेन लॉन पेयर एज वेल ऑन ऑक्सीजन। दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्फा कार्बन। जैसे बच्चे अटैक करेगा व्हाट हैपेंस, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी जिसमें आपका OH अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बॉन्ड मेकिंग कर रहा है विद अल्फा कार्बन, और द कार्बन हैलोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन दैट बॉन्ड ब्रेक। व्हाई? बिकॉज कार्बन के 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है और कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। जैसे ही पांचवा बॉन्ड बनेगा तो आपको एक बॉन्ड को रिमूव करना पड़ेगा। देयर आर 3 हाइड्रोजन्स, वो आप एज सच कॉपी कर लो। ये बच्चे आपकी बनी ट्रांजिशन स्टेट। इन ट्रांजिशन स्टेट व्हाट हैपेंस, द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मड एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। मतलब आपके नए बॉन्ड की फॉर्मेशन और ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली प्रोसीड इन वन स्टेप। आफ्टर दैट दिस OH मेक्स अ बॉन्ड विद कार्बन, मींस दिस OH दिस बॉन्ड इज नाउ परमानेंट दैट कंटेन 3 हाइड्रोजन एंड दिस Cl रिमूव। जब आपका Cl रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाएगा दैट कंटेन लॉन पेयर दैट कंटेन नेगेटिव चार्ज एज वेल। तो ये बच्चे आपके रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में के सेंटर में ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसमें आपके नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है और ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। दैट इज योर सबस्ट्रेट, दैट इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द प्रोडक्ट एंड दैट इज योर लिविंग न्यूक्लियोफाइल। बच्चा इसके साथ साथ नोट्स बनाने अच्छे से, उसको याद करना है, समझना है। वेरी सिंपल, इन दीज रिएक्शंस द अटैक ऑफ Attacking nucleophile and the removal of leaving nucleophile, जिसको leave कर रहा है, जो remove हो रहा है, take place at the same time.
इन सिंगल स्टेप, इन सिंगल स्टेप इट मींस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। और लास्ट में बच्चे बात कर दोगे, दीज आर गिवन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, दीज आर गिवन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। बच्चे एक बार ध्यान में रखोगे आप लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस। जो आपका सेंट्रल कार्बन अल्फा कार्बन है दैट मेक्स फोर कोवलेंट बॉन्ड, इसके बाद चार सिग्मा बॉन्ड है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड इन ट्रांजिशन स्टेट। इस कार्बन के तीन कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, वन बॉन्ड इज मेकिंग, वन बॉन्ड इज ब्रोकन, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिड इन ट्रांजिशन स्टेट एंड इन द फाइनल प्रोडक्ट कार्बन अगेन sp3 हाइब्रिड। इफ द एमसीक्यू इज देयर, what is the hybridization state of carbon of alpha carbon in reactant, product and transition state, so that should be sp3 in reactants, sp3 in product and sp2 in transition state। to ye bache aapka definition or mechanism with the comprehensive detail। now we discuss kinetic evidence or kinetics of reaction, kinetic evidence or kinetics of reaction। Kinetics of reaction depends upon the concentration of reactants। अच्छा मैं डिस्कस किया, according to law of mass action the rate of reaction depends upon concentration of reactants। In this reaction there is only one step and there are two reactants involved, so we say the rate of reaction is directly proportional to product of concentration of both reactants। अच्छा क्या मतलब हुआ, इस reaction की speed को दोनों reactant की concentration control करेगी। अगर आप किसी एक की amount concentration को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो कम करने पे speed of reaction कम हो जाएगी और ज्यादा करने में speed of reaction बढ़ जाएगी। This the speed controlled by both reactants, so we say the rate of chemical reaction that is directly proportional to concentration of first reactant, that is your nucleophile or attacking nucleophile, and the second reactant is that is your CH3Cl, mean alkyl halide or primary alkyl halide। So rate comes out to be that's equal to constant K with OH negative concentration and CH3Cl concentration। From this rate expression you find order, एंड आपने बच्चे डिफाइन किया था ऑर्डर को, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ। तो बच्चे कंसंट्रेशन की पावर 1 और सेकेंड की पावर 1 बिकॉज देर आर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट OH एंड 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट CH3Cl, सो ऑर्डर कम्स आउट टू बी 1+1 दैट्स इक्वल टू 2। सो वी राइट दैट इज योर SN2 मीन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज बायमॉलिक्यूलर एज वेल, बायमॉलिक्यूलर इन नेचर। तो ये बच्चे आपके पास थी काइनेटिक्स ऑफ SN2 रिएक्शंस। नाउ वी डिस्कस स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन मेक्स 3 कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड one bond is forming between the nucleophile and carbon, attacking nucleophile and alpha carbon, and one bond is broken between carbon and the living nucleophile। अच्छा अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, तो लुक एट दैट इन द रिएक्टेंट वी से देयर आर 4 हाइड्रोजन एंड Cl इज देयर एज वेल। न्यूक्लियोफाइल OH अटैक्स ऑन अल्फा कार्बन, जैसे अटैक करने आएगा from the side where halogen or chlorine is present, this chlorine also contain partial negative charge due to its electronegative nature, to ye OH ko right side se attack nahi karne dega because of repulsion between the attacking nucleophile and the chlorine, so it has only one option ki ye iski back side se attack kare,
और जैसे ही इसकी बैक साइड से आके अटैक करेगा, लुक एट दैट इन ट्रांजिशन स्टेट, OH ने बच्चे अल्फा कार्बन पे अटैक किया फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप. व्हाई? बिकॉज फ्रॉम द फ्रंट साइड, फ्रॉम द राइट साइड, देयर इज नो चांस फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक. तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन कि OH Cl के बैक साइड से अटैक करे. और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट, यू गॉट द प्रोडक्ट एज पर आपके OH ने अटैक किया था फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू हेलोजन, दैट इज दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट बाय द रिमूवल ऑफ Cl माइनस. तो आप चेक करना, अगर आप रिएक्टन को कंपेयर करते हो, अगर आप रिएक्टन को कंपेयर करते हो, व्हाट हैपन जी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, व्हाट हैपन्स इन द रिएक्टन, व्हाट हैपन जी Cl जो इसमें से बल्कि ग्रुप है, देयर आर थ्री हाइड्रोजन एंड वन Cl. सो वी से अगर आप समझे थम क्लोरीन है हैविंग बल्कि ग्रुप ऑन द राइट साइड, जब भी आपका ट्रांजिशन स्टेट पे आया OH ने अटैक किया फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, और जब आपकी प्रोडक्ट बनी तो आप चेक करना इसका बल्कि ग्रुप इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है. मींस Cl राइट साइड पे था रिएक्टेंट में जो कि बल्कि था, और OH प्रोडक्ट में Cl की ऑपोजिट साइड पे. इसका मतलब ये हुआ जो प्रोडक्ट बने, इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज इन्वर्टेड, दैट इज इन्वर्टेड. या चेक कर सकते हो थ्री हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड इन द रिएक्टेंट एंड थ्री हाइड्रोजन ऑन द राइट साइड इन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड स्टेट और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. और 180 डिग्री फेज शिफ्ट अकर, 180 डिग्री की मॉलिक्यूल में इन्वर्जन आ गई. सो वी राइट एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड और बैक साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, ऑफ द लिविंग ग्रुप. सो देयर इज फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री टेक प्लेस, हेंस देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस. ये बच्चे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर SN2 रिएक्शन कि आपके न्यूक्लियोफाइल ने हमेशा अटैक करना है लिविंग ग्रुप की बैक साइड पे, और आपके पूरे मॉलिक्यूल की फेस शिफ्टिंग हो जाएगी बाय 180 डिग्री. मीन दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड अटैक ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. तो ये हमारे पास था SN2 की कंप्लीट डिटेल, काइनेटिक्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री, डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म. तो बच्चे इसको हम यहाँ पे आज एंड करेंगे, और हमारे कमिंग वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह SN1 रिएक्शन की कंप्रिहेंसिव डिटेल प्रेजेंट होगी.